दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों लगातार कई अभ्यर्थियों के कॉल और मैसेज आते हैं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा अधीनस्थ बोर्ड की उन भर्तियों का जिनका परिणाम जारी होगा। मैं चर्चा करूंगा आरएस भर्ती 2018 कृषि शिक्षक महिला सुपरवाइजर देवशाला साइट और एक सबसे बड़ा मुद्दा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बेरोजगारों को कमरा किराया माफ हो। उसने एक अलग अभियान चलाया, उस अभियान से भी आप लोगों को रूबरू करूंगा। आप लोगों को क्या करना है और कैसे इस अभियान को हमें सफल बनाना है। साथ में जो पंचायत सहायकों के लिए लेटर लिखा है उनका निवेदीकरण किया जाए और उनकी वेतन वृद्धि की जाए। रीट 2020 को लेकर भी चर्चा करूंगा कि जो विज्ञप्ति और पैटर्न को लेकर कब एग्जाम होगा उसको भी चर्चा करूंगा। एएसओ भर्ती 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चर्चा करूंगा। जैन भर्ती 2020 का सिलेबस और आवेदन प्रक्रिया को लेकर चर्चा करूंगा। कनिष्ठ अनुदेशक और एनटीटी का जो फाइनल परिणाम जारी होना उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। और स्टेनोग्राफर भर्ती जो एक महत्वपूर्ण बन चुके हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार के इंतजार इन लोगों को सामना करना पड़ा है, उसके लिए मैं चर्चा करूंगा और नई भर्ती को लेकर चर्चा करूंगा। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में मैं चर्चा कर देता हूँ कमरा किराया माफ को लेकर। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को आज से एक अभियान चलाना है। आप फोन उठाइए, तमाम एमएलए, तमाम नेताओं को, तमाम मंत्रियों को फोन करिए कि मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र से मैं फलाना बोल रहा हूं और मेरा निवेदन है कि मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हूं और अचानक लॉकडाउन की वजह से मुझे घर आना पड़ा। मेरा सामान जयपुर, अजमेर, जोधपुर जिस भी सिटी में हो वहां है। अब मकान मालिक कह रहा है या सामान निकाल लीजिए, किराया दीजिए या सामान भी नहीं देंगे। हम आखिरकार कहां जाए? एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा थी, परेशानी, हमें अचानक आना पड़ा। आप हमें पहले सूचित करते हम सामान लेके भी आ जाते। 2 महीने कंप्लीट हो चुके, तीसरा महीना चला, धीरे धीरे 3, 4, 5 हो जाएंगे तो हमारा कमरा किराया माफ। और ये जो कोचिंग फीस को लेकर जो भी मामला था कि जिनको हमने कोचिंग फीस जमा करवा दी वो लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन कोचिंग करवा दी या फिर ऑनलाइन, जो अभ्यर्थी सब इच्छा से ऑनलाइन करना चाहें उनको ऑनलाइन कराए और यदि आप ऑफलाइन नहीं करवा रहे, ऑनलाइन नहीं करना चाहते, उनकी फीस वापस कीजिए। ये चीजें आपको उठानी होगी, लेटर पेड में लिखे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें, उनको भेजे और हमारा साथ दे सके आने। यदि वो लोग मना कर देते हैं तो उनको साफ कह देना कि 2030 में देख लेंगे, हम भी लोग आपको सत्ता में लेके आएंगे, हम भी उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि हम भी समझदार हैं, हम भी जो युवा हैं आज की बात याद रखेंगे, भूलने वाले नहीं है। आप हमारा भविष्य बनाओगे तो हम आपका भविष्य बनाएंगे। दोस्तों ये अभियान चला दो, हर एमएलए को, हर नेताओं को फोन करो, कहो कि लेटर लिखो और माननीय मुख्यमंत्री से बात करो। इसके अलावा कोई भी मंत्री या एमएलए फेसबुक पे, ट्विटर पे जहां पहुंच डाले वहां भी ट्वीट करो, फेसबुक पे कमेंट करो कि इसको इतना आप जबरदस्त बना दो, एक बड़ा मुद्दा बना दो कि हर जगह प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाले किराया का माफ करने का मामला हो। यह अभियान आपको आज से शुरू करना, सभी से मेरा निवेदन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लगातार पूरी कोशिश कर रहा हूं, मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं, सीएमओ में लेटर लिखा है, बात पूछाइए, लेकिन इसको मुद्दे को हर जगह हाईलाइट करो जिससे हमारा काम जल्द से जल्द हो। आप सबसे मेरा निवेदन है। अब मैं चर्चा करूंगा दूसरे मामले को लेकर, इसी में स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि जो व्यक्ति अभी इस मेरे को वीडियो को देख रहे हैं, कई भर्तियों की मैं इसमें चर्चा करूंगा, वो आप सीधा मेरे ट्विटर अकाउंट पर उपेन यादव ऑफिशियल पर जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं छोटी मोटी पोस्ट डालना बंद कर दिया है, वीडियो भी बहुत कम डालता हूं, आवश्यकता भी डालता हूं, मैं सीधा ट्वीट करता हूं। मैंने ट्वीट में आप लोगों को बता दिया था सभी संबंधित विभागों से संशोधित अभ्यर्थना एआईडी मांग पूछ चुकी है। कल ही शाम को मेरे बात हुई थी, वो सीएमओ में फाइल को अपलोड करके भेजेंगे, भगवान चाहे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आने वाले वीक में आपकी फाइल अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच जाए, जैसे अभी पटवारी, इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष, आपके फार्मासिस्ट और जो तमाम भर्ती की परीक्षा तिथि जारी होगी तो आपकी भी परीक्षा तिथि जारी होगी, क्योंकि उससे पहले आपकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होनी है, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद परीक्षा तिथि जारी होगी। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीक में आपकी फाइल पहुंचा दूं, पूरा प्रयास किया है, क्योंकि इस बार एआईडी विभाग पर प्रेशर था, दबाव था, वो उनके कर्मचारी लगातार फोन कर करके हर एक विभाग से अभ्यर्थना मंगवाइए, वो प्रयास हम सब ने मिलकर किया और उस प्रयास का फल मिलने वाला मुझे बता, लगातार इंतजार कर रहे थे, लगातार आपको सामना करना पड़ा। जो बैकलॉग की पदों की जो संशोधित अभ्यर्थना मांगी थी वो सभी पदों की, सभी विभागों की मिल चुकी है, अब वो फाइल सीएमओ से अप्रूव होने के बाद जाएगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आने वाले वीक में आपको कुछ खबरें देने के लिए, पूरा प्रयास किया है, इसलिए आपको मैं सारी चीज बताऊँ। कुछ आपने देखा होगा मुझे किसी ने कहा था कि नहीं पूछी, तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ तथ्यात्मक सही है, गलत हो तो मुझे चैलेंज करें, क्योंकि मैं गलत कभी नहीं कह देता, क्योंकि दरअसल पे काम करता हूँ, फेक चीज आपको बताता हूँ।
250 लाइकों का वेतन वृद्धि हो निम्नलिखित चरणों, ये बात मैंने रखी है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की कई वीडियो है, उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वेतन नियमितीकरण भी करेंगे, स्थायीकरण भी करेंगे और वेतन वृद्धि भी करेंगे। उनसे निवेदन है शिक्षा मंत्री जी, अभी पीड़ा सुधे मैंने लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को भी इसको पूछूंगा कि उनको राहत प्रदान करें, 56,000 रुपये में कोरोना में भी काम करें, योद्धा के तौर पर काम करें तो 6,000 रुपये में उनका परिवार चल नहीं सकता, आप सब जानते, तो उनका वेतन वृद्धि की जाए, उनका उन लोगों का स्थायीकरण भी किया जाए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, आरएस भर्ती 2018 और भी तमाम भर्तियां हैं जो आरपीएससी की है। कई एक व्यक्ति का मैंने कमेंट देखा, अभी वो व्यक्ति मुझे कह रहे थे कि भैया आप तो आरएस भर्ती के लिए बोलते नहीं, ना एसआई भर्ती के लिए बोलते। भाई यार मैं क्या बोलूंगा, मैं तो सीधा आरपीएससी चेयरमैन को चुनौती दे दी, चेतावनी दे दी, आईएएस अधिकारी है एक पावरफुल व्यक्ति, उसको खुला चैलेंज दिया है और फिर चैलेंज दे रहा हूं। यदि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो इस लापरवाही को समाप्त नहीं करते हैं, इन भर्तियों को जल्द से जल्द कोर्ट से नहीं निकलवाते, जो तमाम जो भी भर्तियां हैं, आरएस भर्ती 2018 का परिणाम बाकी है, एएन भर्ती 2018 का मुख्य परिणाम बाकी है, सेकंड ग्रेड 2013 का भी मामला वहां लंबित है, एलडीसी भर्ती 2018 वाला मामला लंबित है, एसआई भर्ती 2016 का इंटरव्यू होने की प्रक्रिया बाकी है, इसके अलावा वन रेंजर की परीक्षा बाकी है, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर का इंटरव्यू बाकी है, एसआई कृषि अधिकारी 2018 का इंटरव्यू बाकी है, कृषि अधिकारी की परीक्षा बाकी है, और भी है, चाहे पीआरओ का मामला और भी भर्तियां हैं, वहां अटकी पड़ी है। सबकी मैंने मांग की, खुली चेतावनी दी, किसके लिए दी, आप लोगों के लिए दी, उनकी लापरवाही के खिलाफ दी, और खुली चेतावनी, यदि लॉकडाउन खुल जाता है 144 धारा आ जाती है, कोरोना समाप्त हो जाता है और उनकी लापरवाही समाप्त नहीं है, उनको अपनी आरपीएससी की नहीं उन्हीं की गाड़ी रोकेंगे और उन्हीं का घेराव करेंगे, बताएंगे हम कमजोर नहीं है, आपको बिठाया है ना आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया बेरोजगारों की समस्याओं को हल करने के लिए, ना कि एसी की गाड़ी में बैठना, एसी के बंगले में रहना और एसी की कुर्सी पे वहां ऑफिस में बैठना, आप बेरोजगारों से तो मिलते नहीं। मैंने कई पीढ़ी बेरोजगारों को चक्कर काटते देखा, मैं खुद भी गया हूं, मैं भी 3 बार कोशिश की, नहीं मिले, तो फिर किस लिए आप अध्यक्ष बने हो, आपकी जिम्मेदारी बेरोजगारों से मिलो और उनकी समस्याएं सुने। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन दिया, खुली चेतावनी है, आप वीडियो देखो, पता नहीं पूछ जाएंगे आपके सुचिंतक बहुत होंगे, खुली चेतावनी है साहब, अध्यक्ष मोदी जी हम गाड़ी घेराव करेंगे, आप मुकदमा दर्ज करा देना, जेल में डरवा करवा देना, लेकिन आपकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आरएस भर्ती 2018 में क्या किया आप लोगों ने, लटक दिया, क्यों प्रार्थना पत्र नहीं लगा रहे, निकालिए इसको कोर्ट से। इसलिए निवेदन है, आप निवेदन को नहीं स्वीकारोगे तो बड़ा कांड होगा, आपकी गाड़ी का घेराव होगा, किसी का घेराव होगा और कुछ अनहोनी होगी, इसके जिम्मेदार आप होंगे। खुली चेतावनी, अभी समय है कि आरपीएससी के जो लोग विश्वास करते हैं उनका अविश्वास आरपीएससी पर भी होता जा रहा है। आपने अभी फर्स्ट ग्रेड की आंसर की जा रही थी, उसमें विवाद कह रहे हो पैसे जमा कराओ, क्या है ये आर्थिक भार बेरोजगार क्यों ऊपर डाला जा रहा है, तो ये लापरवाही सामने आए, उनको लापरवाही को दूर करें और बेरोजगार राहत प्रदान करें, आपसे हाथ जोड़ने की निवेदन है, अन्यथा जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि आवाज नहीं उठा रहे, कहाँ आवाज नहीं उठा रहे यार, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया खुली चेतावनी दे रहे हैं, आप लोगों के लिए दे रहे हैं। आरएस भर्ती के लिए भी 10 जून की सुनवाई इंतजार करिए, आने वाली 10 जून की कोशिश करेंगे कि आपका निस्तारण हो। कर्ती परीक्षक है, प्रयोगशाला सही गया, महिला सुपरवाइजर, महिला आंगनबाड़ी है, हम तो भाई आपकी आवाज उठा सकते हैं, एडवोकेट से मिल सकते हैं, एडवोकेट नियुक्त करवा सकते हैं, सरकार से बात पूछा, मैं लगातार पूछा रहा हूँ, एक व्यक्ति हूँ जो हर भर्ती के लिए भागता है, आपकी आवाज पूछा था, लेकिन कोर्ट में उपेन यादव है या किसी की नहीं चलती है, वो जज साहब को ही निर्णय करना पड़ता है। कई बार जज साहब कहते थे कि बोले आज नहीं सुनेंगे कल सुनेंगे, आप कर्ती परीक्षक की 3 दिन से तारीख पड़ी है, आज नहीं कल, कल नहीं आगे, तो तारीख पर तारीख मिली, जज साहब को कोई नहीं कह सकता कि आप फैसला दो, तो वो तारीख कोर्ट में हम मजबूर हैं, कोर्ट के अलावा सरकार के अध्यादी रहता है, तो हम और भी धरना प्रदर्शन जो करना वो करते, लेकिन अब कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन जहां अब भी कोशिश कर रहे हैं कि 10 जून को राहत मिले, और भी जो 3 जून को सुनवाई कर सकते हैं, महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सही को एसटी मामले में है, उसमें भी कोशिश कर रहे हैं 3 जून को, यदि फिर भी नहीं होता है तो कोरोना समाप्त होता है, तो मैं आप लोगों के लिए सड़क पर उतरूंगा, मैं वादा करता हूँ, चाहे आरएस भर्ती 2018 वाले जो लगातार कह रहे हो ना, और ये चारों भर्ती अपने स्कोर की, मैं वादा करता हूँ, एक अग्निशमन जो फायर वाली भी 2015 की भर्ती 193 पदों में लंबित है, उसको भी कोर्से लंबित है, उसको भी कोर्से निकलवाना होगा, उनकी मैं पूरी सहायता करूंगा, पूरी मदद करूंगा। दोस्तों एएसओ भर्ती के लिए लगातार कॉल आ रहे हैं, एएसओ भर्ती के लिए इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया बाकी है, पहले मैंने रिजल्ट में इनकी बात रखी थी, लेकिन कई लोगों ने इसमें शिकायत की है, और उस शिकायत के लिए अध्यक्ष मोदी जी का मैंने बयान देखा था कि वो उनसे डायरेक्ट मिले, वो उस कमेटी को बिठाएंगे, उनकी जो शंका वो दूर करते, तो मिल रही आपको लगता है गड़बड़ी है, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी होगी उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा। जेएन भर्ती 2020 का सिलेबस मैंने बीएड जाता हूँ, जिससे मेरी बात होगी है, उनके मैंने मजबूती से आपकी बात रख दी है,
आपकी जो रिव्यू पर फॉरन भी होगी, आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, सिलेबस की मैंने बात रखी है, कुछ विभागों से मीटिंग बाकी है, तो वो शायद आने वाली वीक में हो सकती है, जैसा होगा कोशिश होगी आपका सिलेबस जल्द से जल्द जारी हो, कनिष्ठ अनुदेशक का परिणाम जारी हो, वो बात भी मैं मजबूती से रखता हूँ, उनका फाइनल परिणाम जारी हो, एनटीटी भर्ती का भी जो 1300+ की पद है, एनटीटी वाले राजेश तिवारी सर के लोग पूरा प्रयास करें, मुझे मिलते रहते हैं, तो मैं भी आपकी बात मजबूती से रखूंगा कि जल्द से जल्द आपका परिणाम जारी हो। दोस्तों एसआई भर्ती 2016 जो चेतावनी दी है ना, एसआई भर्ती 2016 भी शामिल है, जिसका इंटरव्यू बाकी है, एक टेक्निकल विभाग का जो दूसरा मामला है वो भी मैं उठा रहा हूँ 233 पद वाला, लेकिन एसआई भर्ती 2016 जो इसमें जो 500 कितने पद है इसमें जो बाकी है, इंटरव्यू बाकी है, जो इनके इसके लिए भी आवाज उठा रहे कि आरपीएससी के लापरवाही, गुस्सा क्यों आया, इसलिए तो गुस्सा आता है, इतने बिड़े आरोप क्यों लगा रहा हूँ, क्यों चेतावनी दे रहा हूँ कि 2016 से 20 हो गए, 4-4 साल तक आप लोगों से काम नहीं हो पा रहा, बड़े श्रम की बात है, इसलिए गुस्सा आता है मुझे आरपीएससी पे, उनके अध्यक्ष पे, इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने एक लेटर लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को नई भर्तियों को लेकर, उसमें मांग की थी ग्राम सेवक भर्ती निकाली जाए, क्योंकि काफी ग्राम पंचायतों को गठन हुआ था, मांग की थी लैब टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफर की मांग की थी, जूनियर अकाउंटेंट की मांग की थी, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग की थी, रीट की विज्ञप्ति की मांग की थी, फर्स्ट एड की मांग की थी, बिजली विभाग की जो तमाम भर्तियां टेक्निकल जो तमाम भर्तियों की मैंने मांग की थी, सारी भर्तियों का तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, ये किसी नाम भूल गया तो कहेंगे हमारा नाम भूल गया, तो दोस्तों उसमें मुझे रिप्लाई मिला कि ग्राम सेवक की भी भर्ती आएगी, रेडियोग्राफर की भी आएगी, वनपाल वनरक्षक की भी आएगी, जूनियर अकाउंटेंट की भी आएगी, जूनियर अकाउंटेंट की अभ्यर्थी सुन लीजिए आप, मुझे लगातार कॉल मैसेज कर दो, वनपाल वनरक्षक भी आएगी, और कृषि विभाग की जो LDC है वो भी आएगी, कई विभागों में भर्ती आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि जो कई राज्य यूपी महाराष्ट्र और हरियाणा कह रहे हैं कि हम साल भर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे, ऐसे में हम लोगों को नुकसान हो सकता है, बाहरी राज्य का कोटा कम हो, उसकी भी आवाज हम उठा रहे हैं, हमारे ही लेटर पेड पे सीएमओ ने कार्य विभाग को कहा था कि इस पे परीक्षण करिए, तो उस मामले को भूलने नहीं है, कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा सा हमारा मामला डाउन इसलिए होगा कि पूरी दुनिया ढीली पड़ चुकी है कोरोना की वजह से, लेकिन अब जैसे कोरोना समाप्त होगा, लॉकडाउन समाप्त होगा, बाहरी राज्य का कोटा कम हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी बात आपकी मजबूती से रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में मैं तमाम चीजों के लिए चर्चा किए हैं, आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि और मैं लगातार वीडियो डालता रहूंगा, सोमवार को एक बार फिर मैं जयपुर जाऊंगा, कोशिश करूंगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा है, मंत्री राजेंद्र यादव जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करके आपकी समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।